हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम शिवा इन्फोटेक। तो आज मैं आपको टर्बो पीएमएस में शोरूम सैंपल आइटम इन्वेंटरी कैसे क्रिएट करते हैं ये बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट हम ट्रांजेक्शन में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे शोरूम सैंपल आइटम इन्वेंटरी। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ए और बी। ए चलान इनकमिंग, बी चलान आउटगोइंग। मैं अभी ए चलान इनकमिंग बनाने जा रहा हूँ, मैं पे क्लिक करूँगा। नीचे हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐड न्यू, एडिट व्यू। मैं नया क्रिएट करने जा रहा हूँ तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू में मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे एक्सपोर्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रिसीव फ्रॉम वेंडर, यूज़र्स, बायर, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे आप रिसीव फ्रॉम, रिसीव फ्रॉम में मैंने सेलेक्ट किया वेंडर, रिसीव फ्रॉम वेंडर में सेलेक्ट किया। ये मेरे वेंडर बने हुए थे, मैंने यहाँ पे अग्रवाल एंड ब्रदर्स क्राफ्ट कर दिया। देन यहाँ पे चालान नंबर, यहाँ पे डेट और रिमार्क्स। देन यहाँ पे मैंने डाटा फिल कर लिए थे, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आइटम कोड मैंने डाल लिया, यहाँ पे आइटम नेम, चला नंबर अगर है तो, देन क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे रैक नंबर, और यहाँ पे आप रिमार्क्स में जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिंक करा दिया। डू यू वांट टू सेव? अब मैं इसको यस कर देता हूँ, मैंने सेव कर लिया। मैं आपको इसका प्रिंट पेपर दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा चलान इनकमिंग का प्रिंट पेपर। अगर इसको आप चाहते हैं कि फ़ोटो के साथ प्रिंट करना है तो बस आपको यहाँ पे टिक करना है, दोबारा प्रिंट पे प्रिंट फ़ोटो, ओके करेंगे आपका फ़ोटो जो है ना फ़ोटो के साथ आएगा प्रिंट पे व्यू। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये हमारा शोरूम सैंपल आइटम इन्वेंट्री में चलान इनकमिंग के साथ क्रिएट हो गया। थैंक यू।